हेलो प्यारे साथियों, नहीं कहूँगा आज मैं नहीं कहूँगा हेलो प्यारे साथियों जो आगे मैं कहता हूँ। तो अगर आपने ये शब्द सुने तो क्यों सुने, ये मैं आपको बताने वाला हूँ वजह। और जो इस वीडियो के जो हेडलाइन पे आपको दिख रहा होगा लिखा कि BSF SCM का हम कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वो सारा का सारा करेंगे। लेकिन कुछ आप सभी लोगों को बताना है कि कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, जो भी बच्चा पूरा टिकेगा लास्ट तक, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता देना कि हाँ मैंने गलत बताया कि सही बताया। जो भी चीज़ें होती हैं वो एक्सपेक्टेड होती हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है तो, और पिछला कुछ मायने रखता है भाई, एक्सपीरियंस कुछ मायने रखता है, उस पर भरोसा कीजिए। तो मैं जो वैसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं उनको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, जो आपके कमेंट बॉक्स आप पढ़ के देख सकते हो पिछली वीडियोज़ में, तो वो जो होता है तो उसके लिए आप मतलब मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे कि आपको समझ में नहीं आता तो उसकी गलती मेरी है, क्योंकि आप पूरी वीडियो देख नहीं पाते हो, तो सो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं उसकी बातें बाद में। और एक बार ना जब शुरुआत में आते हैं तो मतलब आप 2 मिनट का वीडियो देख ली कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, और देख के चले गए। उसके बाद गए, कुछ पता ही नहीं आपको क्या बताते हो क्या नहीं बताते हो। तो हमने आगे भी बताया है, कुछ आगे भी देख लो, फाइनल तक देख लो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वीडियो में रहता ही है। इतने मतलब हमें नहीं कह रहे कि इतना अच्छा व्यूज आ रहा है, इतना अच्छा वो जो सब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। मैं लेकिन एक जो न्यू एज का कोई बंदा है इस टाइम को जो वीडियो को देख रहा है, तो मैं ये आपको सलाह ज़रूर दूंगा कि आप अगर नए नए हो अभी तो आपको एक अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि देखो अभी मेरा प्रोग्रेस है, मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, आगे सक्सेस भी धीरे धीरे मुझे मिल रही है। तो मैं ये कहूँगा अगर आप न्यू यूथ के हो, आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो आप एक नया यूट्यूब चैनल आपको बना लेना चाहिए। यानी आपको एक नया यूट्यूब चैनल आप कंस्ट्रक्ट कर लो, ज़्यादा ज़्यादा उसमें पैसे तो लगते नहीं हैं, और आप कुछ भी आप अपना कंटेंट डालते रहिए, क्योंकि फ़ायदा है भाई, आप पढ़ते पढ़ते साथ में कुछ अगर बेनिफिट कमा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो, तो वो आप काम कमा लोगे। तो आगे हम डिस्कस करते हैं BSF SCM कट ऑफ, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, 100% एनालिसिस और टाइपिंग फास्ट करने का अचूक मेथड, मैं सब कुछ सब यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। सो गाइज हेलो नमस्ते, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BSF SCM की कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। 100% श्योर ना कोई हो सकता है और ना कोई है। कट ऑफ के मामले में आपका कट ऑफ मैं कह दूं कि आपका इतनी जाएगी कि 50 चली जाएगी, तो वो भी खुश होने के लिए जाएगी। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बनाना है मुझे, कि जो चीज़ें मुझे सुन के अच्छी लगती हों सिर्फ मुझे वही वही बनाना है। बात करनी है आप कट ऑफ पे, BSF SCM का कट ऑफ पे, तो हर चीज़ मायने रखता है। पेपर आपका हुआ था 18 जून को, 17 से 18 जून पेपर जो आपका हुआ था वो 17-18 जून। तो अगर कोई अभी तक टिका है तो ध्यान से प्लीज़ सुनिएगा वीडियो को, प्लीज़ सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या मैं कहता हूँ क्या नहीं कहता हूँ। आपका पेपर हुआ था 17 और 18 जून को हुआ था, आप वेरीफाई करते हो ना इसको, 17-18 जून को पेपर हुआ था आपका। पहले आपका 12 मार्च का था पेपर, उसके बाद 17 से 18 जून में पेपर आपका कंडक्ट करवाया गया था। और 12 मार्च को जो होने वाला था वो शायद कहीं ना कहीं ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला था बिल्कुल तय है ये। फिर वो जब रेडियो ऑपरेटर ने अपने बदलाव कर दिए जी, 4 मार्च को था, हाँ 4 मार्च को वो रेडियो ऑपरेटर वाले ने बदलाव कर दिया कि 4 मार्च को हम क्या करवाएंगे, अपना पेपर करवाएंगे, और बदल के उन्होंने कर दिया कि हम बाद में करवाएंगे, ऑनलाइन करवाएंगे, CBT करवाएंगे। तो 12 मार्च को इसका पेपर हट गया, तो इन्होंने भी क्या कहा है, हम CBT एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो पहले ऑफलाइन अगर पेपर होता तब भी बेनिफिट मिलता बच्चों को, क्योंकि ऑफलाइन पेपर ऑनलाइन से कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। वो जिनको लगता है कि बहुत बुरा रहता है ये ऑफलाइन पेपर, तो वो उनकी अलग बात, उनकी अलग मेथोडोलॉजी है। तो हम इस पर बात करेंगे कि 12 मार्च को आपको पेपर होने वाला था, वो मार्च अप्रैल मई जून यानी 3 महीने आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 3 महीने बाकी थे जो आपके आपका पेपर कब हो जाके जून में जाके हुआ। तब पहले तो उससे पहले भी फिजिकल जिन बच्चों का हो गया था, यानी आपके पहले यहाँ पे डिस्कस 6 लाख आपका टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था, 6 लाख में से 2,19,000 बच्चे जो थे वो क्या थे, सिर्फ फिजिकल पास किए थे। तो इन लोगों ने पेपर दिया था। अब इन लोगों में से अगर मान लो 2 लाख बच्चों ने जो है पेपर दिया था, इन लोगों में से जो 2 लाख बच्चों ने वो क्या किया था, पेपर दिया था। अब देखो यानी आपका जो 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, अब
6 लाख तो हैं बच्चे थे, अब उसमें से मान लो फिजिकल देने कुछ नहीं गए होंगे कि चलो नॉर्मल सा है कुछ होता है नहीं इससे, तो कुछ बच्चे मतलब फिजिकल देने नहीं गए थे, बच्चे आपके 2 लाख मिनिमम 2 लाख बच्चे। आपकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो वैकेंसी आपकी 312 है। आपने देखा कुछ जो बढ़ी हैं उसको, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, जो मेन थी ज़्यादा 10-12 वैकेंसी बढ़ी हैं उसके बारे में बात मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे 312 आपकी टोटल पोस्ट कितनी थी, 312 यहाँ पे पोस्ट थी और 2 लाख बच्चे हैं। अब कंपटीशन यहाँ पे कितना रहने वाला आप खुद अंदाज़ा लगा लो। यहाँ पे मैं देखो आपको सहानुभूति नहीं देने वाला हूँ कि यार छोटी छोटी बातें करके 312 से मतलब अगर मैं वहाँ पे 3,000-30,000 वैकेंसी थोड़ी ना है कि 2 लाख बच्चे वहाँ पे कंपटीशन करने वाले हैं, तो आयोग को भी झेलना पड़ता है। अब आपको क्या मैं बताऊँ, क्योंकि जैसे अब जो अपने रिलेटिव्स में अगर कोई होता है ना तो वही वहाँ का बताता है कि क्या कैसे होता है क्या नहीं होता है। या आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कुछ मेन बातें निकल के आते हैं इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी में मेरे मामा हैं, मेरे खुद के मामा मतलब लगने वाले मामा हैं जो कह सकते हो ना गांव में कहते हैं लागे लगाएगा, तो वो मामा हैं। तो उनके थ्रू उनका स्टेटमेंट ये था कि जो इंडियन आर्मी होती है उसमें कुछ काम करने का मन करता नहीं हमारा, लेकिन जब वो सैलरी एक बार आपका 50,000 आ जाती है, किसमें 50,000 जब आ जाती है अकाउंट में, तो उसको देखने के बाद फिर से मन करने लगता है चलो किया जाए। तो अब वहाँ की बातें होंगी, तो अब वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अब वो बना दिए पेपर कैसा क्या बना दिया उन्होंने कैसा नहीं बना दिया। पेपर भी आपका 17 जून का जो हुआ था वो आसान था 18 जून के मुताबिक, क्योंकि लगातार पेपर का लेवल भी बढ़ता गया था। तो अब कट ऑफ हम थोड़े डिस्कस करेंगे, कट ऑफ वो बनाने वाले हैं, हम एक्सपेक्टेड बता सकते हैं। तो आपका 100 नंबर का पेपर था जहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एससीएसटी के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई थी, और इसमें आपका जो जीके जीएस नहीं था, कहने का मतलब यहाँ पे जीके जीएस आपका नहीं था, जीके जीएस नहीं था, तो इसने क्या कर दिया कट ऑफ को और थोड़ा खींच दिया। अगर जीके जीएस होता तो कट ऑफ नीचे आता, ये आपको भी पता है, क्योंकि जीके जीएस नहीं था तो आप मान के लेट करके चल सकते हो 20 की रीजनिंग थी और अलग जो 20 का जो क्लरिकल एप्टीट्यूड था, जो क्लरिकल एप्टीट्यूड सी ए वो 20 रीजनिंग ही दिया था, उसमें इंग्लिश दे दिया था मैथ दे दिया था, रीजनिंग के क्वेश्चन कई सारे थे, 20 रीजनिंग इधर हो गई, 20 आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड इधर हो गया, तो टोटल मिला के आप 40 रीजनिंग मान सकते हो। यहाँ पे कितना मान सकते हो आप, यहाँ पे लेट कर लो 1 मिनट, आप यहाँ पे क्या लेट कर लो 40 जो है क्या लेट कर लो आप, हाँ यहाँ पे 40 जो है वो रीजनिंग लेट कर लो आप, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे गए थे, ऐसा ही तो होगा। अब इसके लिए कोई मतलब उसमें वो नहीं है कि जी की जीएस मैंने बोल दिया तो कट ऑफ है, इतनी कैसे आप बता रहे हो बहुत गलत बता रहे हो, तो खुशी नहीं देनी है, देखना है देखो नहीं जाओ, आपको वीडियो देखना है तो देखना है, देखो नहीं जाओ, आपका नंबर कट ऑफ में अब कैसे बता दूँ यार कि 55 चला जाए 60 चला जाए, वो तो उसके बिहाफ पे तो डिटेल में ही करेगा वो। हर पेपर में क्या होते हैं 25 मैथ होते हैं और 25 आपका रीजनिंग होता है, 25 आपका हिंदी होता है इंग्लिश कह सकते हो आप, और 25 आपका जनरल जीके जीएस होते हैं। जीके जीएस में 25 में 25 आउट ऑफ लाना मुश्किल ही है, कोई नहीं ला सकता यार, कोई भी नहीं ला सकता। एक बात यहाँ पे सोच लो कि जीके जीएस आपका नहीं था यहाँ पे। अब जो बच्चा अगर देख रहा हो उनको अगर लग रहा हो सही या उनका जो कट ऑफ है उसके मिनिमम है वो पहुँच रहे हैं, वो उसके नंबर उनका अच्छा खासा नंबर है, तो वही टिकेंगे, और जिनके लग रहा है कि मेरा नंबर यार ये बहुत गलत बता रहे हैं उल्टा बोल रहे हैं तो चले जाएंगे, वो बिल्कुल चले जाइए आप, हमें मतलब भी नहीं है कि आपको बता दें 55 कट ऑफ और बाद में आपका कमेंट आ जाए कि हाँ बहुत बढ़िया, फिर जो अच्छे बच्चे हैं उनका कमेंट आएगा तो वो बुरे बन जाएंगे हमारे लिए, तो उनके बारे में बात करेंगे जो मेन यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आपका जीके जीएस का पोर्शन था ही नहीं। अब ये बच्चा कोई भी नहीं वो गलत ना बोले बस, क्योंकि 17 से 18 जून में किसी भी आपका शिफ्ट में जीके जीएस नहीं पूछा गया था, किसी भी शिफ्ट में जीके जीएस नहीं पूछा गया था, क्लरिकल एप्टीट्यूड हर एक उसमें आया था, पेपर का लेवल अलग था कि 17 जून का जो पेपर का लेवल था, और 17 जून यानी 17 से लेकर 18 इस जून में 17 को 2 शिफ्ट हुआ था और इसको 3 शिफ्ट हुआ था, टोटल मिला के आपके 5 शिफ्ट जो है वो पेपर कंडक्ट हुए थे। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुए थे तो 2 लाख बच्चों को पेपर दिला दिया गया था 17 और 18 जून को। तो जो 17 का जो पहली शिफ्ट थी उसका पेपर एकदम ईजी था, एकदम ईजी कह सकते हो अब, एकदम ईजी कहने का मतलब उसमें जीके जीएस पूछी ही नहीं गई थी, क्लरिकल एप्टीट्यूड अलग से आया था और पेपर भी एकदम हलवा क्वेश्चन का कि मेरे क्लास में 600 विद्यार्थी हैं 440% लड़की है तो कितने परसेंट लड़के हुए या कितने लड़के हुए ये बता दो,
ये क्वेश्चन था आपका 17 जून वाले पेपर में, इतना आसान आसान पेपर आया था। अब मैंने दिया नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रिव्यू जो देखा है लगभग रिव्यू देख देख के बता दिया है, क्योंकि मेरा छोटा भाई पेपर देकर आया है। अब छोटा भाई पेपर देकर जब आया है तो वो खुद का भाई है, तो उसके लिए वो बता रहा था मैंने ये क्या पेपर बहुत आसान बन रहा है, और उसमें क्लियर के लिए वो मतलब बहुत खुश होता कि मैंने GK GS पढ़ा नहीं है और क्लियर के लिए एप्टीट्यूड आया था, तो मैंने इतने किए हैं, मेरा हो जाएगा इस बार। तो मैंने कहा हाँ कहीं ना कहीं इसका भी सही हो जाएगा, मैं इसको क्लियर बता दूंगा कि ज़्यादा खुश मत हो कि शायद ना हो कुछ भी यहाँ पे। तो 17-18 टोटल आपके 5 शिफ्ट यहाँ पे देखने को हुई थी, टोटल आपको जो 5 शिफ्ट यहाँ पे देखने को हुई थी, और जो 17 जून का पहला शिफ्ट था वो बहुत ईजी, सेकेंड शिफ्ट उसे थोड़ा सा हार्ड, और 18 जून का जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों के तीनों अच्छे थे। अब नॉर्मलाइज 18 शिफ्ट वालों का होगा, 17 का मुश्किल भी है, क्योंकि आपका जितना नंबर है उतना रह सकता है, उससे बढ़ नहीं सकता, घटेगा तो है नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइज जब पिछले कुछ सालों से हो रहा है तो नॉर्मलाइज में बढ़ ही रहे हैं, घट किसी का नहीं रहा है, क्योंकि घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे घट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बच्चों का कोई नंबर घट जाएगा, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नंबर हमारा इतना कम कैसे हो गया। तो वहाँ पर बातें ये थी, अब घटने का बात है तो वहाँ पर बातें की जा रही हैं, मतलब घट दो वन मिनट, तो आपका नंबर घटेगा तो नहीं, लेकिन अगर आपके 70 हैं 74 हैं, आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपके 74 हैं, 70 हैं, आपका इतना है, तो वो जो लेकर आएंगे नॉर्मलाइज वाले, जो जब नॉर्मलाइज होगा तो जिन बच्चों का यहाँ पे 64 होगा उनको वो आपके करीब ले आएंगे, जिन बच्चों का 60 बन रहा होगा थर्ड शिफ्ट में ले सकते हो तो उनको आपके करीब ले आएंगे वो, अब आप कम नहीं करेंगे वो उनको आपके करीब, जिनका मान लो 65 बन रहा था उनको भी आपका 70 के करीब ले आएंगे, ऐसे जिनका 60 59 यानी 18 के जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें बच्चों का कहना था कि जो कंप्यूटर पूछा जा रहा था, 5 सब्जेक्ट थे ना इसमें, तो जो कंप्यूटर पूछा जा रहा था वो बच्चे कह रहे थे सब अंदाज़ा लगा दिया है, सब अंदाज़ा लगाया जो भी हुआ है, माइनस मार्किंग थी नहीं, हाँ ये भी मायने रखता है, रोल निभाता है कि माइनस मार्किंग आपकी है नहीं इसमें, मतलब सारी तरफ से आपको एक तरीके से खुला ऑफर दिया है, वही ना कि भंडारे में नुक्ती बट रही है, नुक्ती बूंदिया जो लाल लाल होती है, और भंडारे में नुक्ती या बूंदिया बट रही है, अब बूंदिया बट रही है तो भंडारा है भाई, कोई भी आके ले जा सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे इसका पेपर हुआ था BSF SCM का, ना कोई माइनस मार्किंग ना कोई निगेटिव मार्किंग, तो जो नहीं सोचा था कि पेपर नहीं देंगे वो भी पेपर देने चला आया था, जो पास हुए थे फिजिकल जो पास हुए थे पेपर देने चले आए, चलो तो जिनका नहीं भी हुआ था उनको नहीं पता था वो चलो पेपर दिए, और एक तो ऑप्शन दे दिया था क्लियर के लिए एप्टीट्यूड, तो कुछ बच्चे जो हैं वो सोच के आए थे चलो GK GS पढ़ लो, क्योंकि अभी CRPF का जस्ट एग्ज़ाम हुआ था आपका मार्च और अप्रैल के महीने में, तो वही सोचे थे कि GK GS आएगा शायद, इसमें भी पूछा जाएगा, उसमें भी क्लियर के लिए एप्टीट्यूड नहीं लिखा था लेकिन जनरल एप्टीट्यूड लिखा था CRPF SCM में, तो क्लियर के लिए एप्टीट्यूड यहाँ पर लेकिन पूछ दिया गया, और ये भी आसान हो गया कि वही ना कि भाई अगर भंडारे में थोड़ी ना होता है कि आप गिने चुने लोग आओ, जिनको बुलाया गया वही आओ, वो रोड मतलब राहगीर भी आ जाते हैं उस पर खाने के लिए, तो आके हाथ फैला देते हैं, मिल जाते हैं उनको प्रसाद, मिल जाता है उनको, तो वैसे ये भी है ना, माइनस मार्किंग है, ऊपर से क्लियर के एप्टीट्यूड पूछ लिया यहाँ पे। अब इस वजह से जो कट ऑफ है वो आप भी कहीं ना कहीं देखो सोच के फिर उसको दबा लेना, ये भी एक कमजोरी होती है कि यार हाँ GK GS भी नहीं पूछा गया था, माइनस मार्किंग भी नहीं थी, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं वेरी करेगी, अब कितना जाएगी, अब ये थोड़े 90 मतलब 99 नहीं बताऊंगा मैं कि 99 चली जाएगी 100 में से, तो इतना नहीं, क्योंकि पहले कुछ डिस्कस किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद बताया जाता है। तो अब आगे बढ़ता हूं मैं, मेरी आवाज़ थोड़ा सा आज अलग है, आपको महसूस हो रही होगी, तो वो याद दो चार कमेंट आए थे तो उसको देखने के बाद पता नहीं कैसे, छोटा सा भी चैनल है लेकिन ग्रो कम होता है, ग्रो जब एक भी एक वीडियो वायरल भी होती है तो उस पर पता नहीं कितने मतलब करोड़ों लाखों लोग आके कमेंट कर जाते हैं, तो वही थोड़ा सा टेंशन बढ़ गई थी। जो बच्चे अभी तक देख रहे होंगे उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अगर समझ रहे हो तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कर रहा हूँ, अगर आपके नंबर इतने के आसपास बन रहे हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो आप क्लियर करने वाले हो, तो आपने कट ऑफ लगभग देखे होंगे, सब वीडियो में देख लिया होगा, तो मैं कुछ अलग बताऊँ या ना बताऊँ, मैं बता दूँ 85-90 चला जाएगा तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में बड़े अच्छे से देखने को मिलेंगे, और मैं बता दूँ लो चला जाएगा तो उनके लिए तो सुनहरा अवसर है कि वही ना कि मिल गया वो खा लो वो चलो, तो यहाँ पे जो मिनिमम आपकी कट ऑफ रहने वाली है, यहाँ पे जो कट ऑफ है आपकी मिनिमम जो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा बच्चों को
अगर वो देखा जाए कि GKGS नहीं था और माइनस मार्किंग ना होते हुए यहाँ पे देखा जाए तो 100 में से 80% जो है, 100 में से 80% जो है, 20 को छोड़ दो, एक आपका सब्जेक्ट हटा ही दो, 100 में से 80% जिनका है वो आपका यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो 78 से लेकर 80 तक जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर कर लें। ये फाइनल है, फुल है। इसके अलावा मैं अपनी कट ऑफ चेंज भी नहीं करने वाला हूँ कि 78 मैंने किसी को देख के नहीं बताया है, ये एनालाइज करके मैंने आपके सामने भी रखा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 78 हो गया और इधर 80 हो गया, इसके बीच में रहने वाली है, ये है टाइपिंग की कट ऑफ। इसके अप एक दो नंबर बढ़ सकती है और घटने की बात रहे तो वो भी हो सकता है, चांसेस दोनों यहाँ पे हैं कि एक दो नंबर घट जाए एक दो नंबर बढ़ जाए। अब 70+ वालों का नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा 70+ वालों का, क्योंकि पेपर लेबल का नहीं दे के आए हो, हलवा मिला था खा के आए हो आप वहाँ पे, तो 70+ नहीं जाने वाली, वो मैं खुद नहीं करूँगा, 70+ कभी भी नहीं जा सकती है। इतना जानने का मतलब कि फिर भाई वो कंपटीशन क्या है, बेइज्जती हमारे सबकी है, ये फॉर्म बेइज्जती हमारे सबकी होगी, जो उठ के चले जाते हैं 100 रुपये का फॉर्म है भर दो फिलअप कर दो, तो बेइज्जती हमारी होगी यार। अगर 100 70 कट ऑफ चली गई तो 70 कट ऑफ जाने का मतलब तब हुआ कि जब पेपर का कोई जानता ही ना हो कि BSF क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है क्या, तब जाएगी 70 कट ऑफ। अब वहाँ पे सब जान रहे हैं कि BSF क्या है, BSF का बी में अगर जितने डंडे लगा के बी बना है वो मिल जाए तो लेकर चले जाएँ वहाँ BSF से, इतने लोग इतने बच्चे वहाँ पर फिलअप हो गए हैं, तो अब सभी को पता है। तो 70+ आप सोच के कि कोई बता दे 70+ तो आप खुश हो जाओ, तो वो उतना नहीं जाने वाली है, ये क्लियर है। तो आपको 78 और 80 के बीच में जो बच्चे आ रहे हैं मैं उनसे पक्का कहूँगा कि आप लग जाइए, नंबर हैं 78, अभी नॉर्मलाइज भी होगा आपका, नॉर्मलाइज की बात ही मैंने नहीं, आपका जो 18 में पेपर हुआ था तीनों शिफ्ट में पक्का 100% नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि वो लेवल थोड़ा सा टफ था 17 वाले दोनों शिफ्ट से। अब हाँ ये कह सकते हो कि 17 में 3 शिफ्ट नहीं हुई थी और 18 में 3 शिफ्ट हुई थी, तो इसकी वजह से पेपर भी हार्ड था और 3 शिफ्ट भी हुई थी। 17 में 2 शिफ्ट थी, पहली वाली एकदम आसान थी, दूसरी वाली मॉडरेट लेवल थी, तो वहाँ पे भी नॉर्मलाइज देखने को मिलेगा, एक दो नंबर का हो सकता है, दो तीन नंबर का हो सकता है, 3-4 नंबर का हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन जो 18 वाली शिफ्ट थी, तीनों की तीनों शिफ्ट जो थी, 18 की जो तीनों यहाँ पे शिफ्ट थी, मैं लिख देता हूँ, 18 की जो तीनों शिफ्ट थी यहाँ पे, उनका जो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा, अच्छे खासे लेवल, मतलब 8 से 10 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो आपके अगर मैं 78 मैंने कट ऑफ बता दी है, आपके 76 हैं तो 86 जाने वाले हैं, तो टाइपिंग के लिए कट ऑफ 78 से 80 रहने वाली है। अगर आपके 74 हैं तो वो 10 नंबर बढ़ा लो उसमें, वो 84 हो जाएंगे, 8 बढ़ा लो उसमें 82 हो जाएंगे, तो इतनी आपकी नंबर बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइज में। तो टाइपिंग के लिए आप यहाँ पर क्लियर कर जाओगे, कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। हाँ जिन बच्चों का 70 है, मैं 70 कट ऑफ नहीं बता रहा था, 70 आपका अगर नंबर है 70 में प्लस कर लो, अगर आप 8 या 10 कर लो प्लस, यहाँ पे 80 हो जाएगा या 78 या आप पहुँच जाओगे टाइपिंग के आसपास कट ऑफ, अगर आपका 70 नंबर एग्जैक्ट बन रहा है और आप क्या हो नॉर्मलाइज के अंतर्गत आ गए तो 10 नंबर खींच देगा वो, 70 से 80 हो जाएंगे। 60 बन रहा हो तो बंद कीजिए, आप उसी तैयारी कर दीजिए, उसे पढ़ना छोड़ दीजिए, मतलब ये BSF नाम लेना ही मत SCM का, छोड़ दो, अगर 70 बन रहे हैं तो जाओ आपने दूसरी तैयारी कर लो। अब यहाँ पे 70+ वालों का जो है उनको हम क्या बता सकते हैं, और मतलब यहाँ पर हाँ 70+ है, 70 आपका है तो उसमें 8-10 नंबर बढ़ जाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगी कट ऑफ का, आराम से क्लियर हो जाएगी और टाइपिंग कट ऑफ हो जाएगी। अब बात करता हूँ मैं जहाँ पे मैंने अचूक तरीका लिखा है, ये देखो टाइपिंग फास्ट करने का जो अचूक तरीका है मेथड है वो क्या रहने वाला है, तो कुछ नहीं है अचूक मेथड है, आप कट ऑफ ही देखते रहोगे, रिजल्ट देखते रहोगे, कहीं आए किस दिन आएगा किस दिन आएगा, कहीं आएगा कहीं आएगा, वो गाँव की बात समझे ना, कहीं आए तो ऐसे ही देखते रहोगे। तो ये अचूक तरीका वही है कि अगर आप मजाक कर रहा था मैं, 78 से अगर आपका 80 बन रहा है तो आप अपने टाइपिंग पे पूरा जोर दे दीजिए, क्योंकि रिजल्ट अगर आपने देखा वीडियो तो कन्फर्म है वो आपका अगस्त में 100% श्योर हो गया, मैंने कहा था अगस्त क्लास तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये पक्की बात है। तो अगर आपकी टाइपिंग जो है स्पीड वहाँ पे आपका किस पे कराएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आपके यहाँ पे कराने वाले हैं, किस पे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का MS Word पे है ये, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ नाम ले रहा हूँ मैं, MS Word है,
एमएस वर्ड पे आपकी टाइपिंग भी होने वाली है, और आपका नॉर्मल जब एक्सेल पे कराते थे तो आसान पड़ती थी, और एमएस वर्ड पे आपकी टाइपिंग भी टफ पड़ने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आप देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप हाथ बिठाओगे आपका हाथ उतनी तेज़ बढ़ने लगेगा, उतनी तेज़ आपकी वहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर वेरी करता है आपका टाइपिंग, तो यहाँ पे आप अकेले करोगे या आप कहीं कोचिंग वगैरह जो सेंटर होते हैं कंप्यूटर से सिखाते हैं वहाँ पे अगर आप जाते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीख रहे हैं वहाँ पे बच्चे हैं, चलो कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन जब आप वहाँ पे टाइपिंग देने जाओगे, मान लो आपका निकल गया टाइपिंग, आपके लिए टाइपिंग के लिए बुला लिया गया, तो वहाँ पे जब आप जाओगे ना तो फिर क्या करने वाले हो, या वहाँ पे क्या रहने वाला है, वहाँ पे आपके बरसातों में बच्चे रहेंगे जो पेपर देने तो आए नहीं है कि, तो उनको शायद ना आता हो तुमको आता हो, वही सेम हो जाएगा कि वो पेपर देंगे तो हम भी देंगे और हम भी आराम से पास कर लेंगे अच्छा सा। तो पास करना है तो वहाँ पे आपको पैशन भी रहेगा थोड़ा सा, और नर्वसनेस भी आ जाती है उसमें कि चार बच्चे हैं साथ में तो ऑफिसर भी साथ में है, कैसे टाइपिंग ना कर पाए, तो ये हुआ वो हुआ, तो उसके लिए टाइपिंग से आप अभी लग जाओ। और ये तो आपके हाथ में है भाई, ये तो आपके हाथ में है, यानी अगर दौड़ना मैं कह दूँ फिजिकल जो है दौड़ आपके हाथ में है, रिटर्न का कुछ बात नहीं, वो रिटर्न का अलग होता है भाई, कुछ मेंटालिटी भूल जाए तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन ये जो है आपका टाइपिंग जो है आपके हाथ में है, तो आपको अभी से तैयारी करनी है, रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ आपकी जो मैंने बता दी उतने के आसपास रहने वाली है, उसमें एक नंबर बढ़ा लेना एक नंबर घटा लेना, कट ऑफ जब आएगी तो देख लेना आप उसमें से। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आप अगर वीडियो लास्ट तक देखी हो तो आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त जो है मुझे दिया। और इस वीडियो में मैंने अगर कुछ भी गलत कहा हो या आपको जो गलत लगा हो इन्फॉर्मेशन, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के। और कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आप अभी तक जुड़े हुए हो तो कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा कि भाई लास्ट तक मेरी जो मैंने विनती की वो लास्ट तक कोई ना कोई जुड़ा था ज़रूर। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद एंड जय भारत।